अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने पर दोबारा हुई ECCS की बैठक, कल भी हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पीएम ने दिया है सभी भारतीयों को निकालने का इंतजाम करने का आदेश, एजेंसियां कर रही काम। सीसीएस की बैठक के बाद हुई कैबिनेट की बैठक, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। भारत के हालात पर तीखी नजर, 1650 भारतीयों को निकालने का बनाना है प्लान। दो दिन तक दो विमानों से हुई है करीब 200 भारतीयों की वापसी, भारतीय दूतावास भी बंद। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंचा कंधार, जल्द काबुल पहुंचने की तैयारी। कतर से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा मुल्ला बरादर, कंधार की सड़कों पर निकला हथियारबंद आतंकियों के साथ जुलूस। तालिबान चीफ हिब्तुल्ला के बाद नंबर दो की हैसियत में है मुल्ला बरादर, अंतरिम सरकार का मुखिया बनने की अटकलें तेज। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह ने खुद को घोषित किया देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहा अफगानिस्तान में हूं मौजूद। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की दहशत का नई तस्वीर आई सामने, प्लेन के दरवाजे पर लटके शख्स ने मोबाइल से बनाया था वीडियो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकियों ने की उदारवादी छवि दिखाने की कोशिश। कैमरे के सामने आया तालिबान प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद, कहा लेकिन इस्लामिक कानूनों के दायरे में महिलाओं के अधिकारों की होगी सुरक्षा। तालिबान ने अफगान मीडिया को भी दी काम करने की इजाजत, लेकिन स्थानीय मूल्यों के खिलाफ ना जाने की हिदायत। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान, दुश्मनों को माफ किया, किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। अमेरिका का दावा, विदेशियों को सेफ पैसेज देने को तैयार है तालिबान, लगातार अमेरिकी अधिकार है अधिकारी में सफर है। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, अपने अधिकारों को तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अफगानिस्तान में छवि बदलने की कोशिश में जुटा तालिबान, महिलाओं से सरकार में भागीदारी की अपील। काबुल में एंट्री के बाद तालिबान का बढ़ता आतंक, आतंकियों ने थीम पार्क पर किया कब्जा। काबुल में तालिबानी आतंकियों का दिखने लगा असली रूप, लड़कियों की तस्वीरों पर पोती कालिक। तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने वाली महिलाओं में से सलीमा मजारी बंधक बनाई गई, आखिरी दम तक अपने प्रांत नहीं भागी। तालिबानी कब्जे को जायज ठहराने पर संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस। संभल सदर कोतवाली में केस दर्ज, कुल तीन नेताओं पर केस दर्ज, तालिबानियों की तुलना भारत के आजादी के सेनानियों से की थी। कुलदीन धाराओं में केस दर्ज, यूपी बीजेपी ने कहा माफी मांगे बर्क। केस दर्ज होने के बाद पलटे बर्क, मैंने तालिबान के बारे में कुछ नहीं कहा। तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक, मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष की लगातार घेराबंदी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचे। 2022 के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान, 23 अगस्त को जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी राज्य सरकार, इस बार बाहरी एजेंसी को सौंपा जाएगा जिम्मा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, सेंसेक्स पहली बार 56,000 के पार। सामने आए ओलंपिक पदक विजेताओं से पीएम की मुलाकात की तस्वीरें, खिलाड़ियों से संवाद। 16 अगस्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। पीएम आवास में रखा गया था कार्यक्रम, पीएम ने खिलाड़ियों से खुलकर की बात। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीएम ने खिलाया उनका मनपसंद चूरमा, ओलंपिक मुकाबले पर की बात। चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सुपर होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहां से। और एक बार खड़ा होगा।
रवि दहिया सहित सभी पहलवानों से मिले पीएम, विनेश फोगाट को दी नसीहत। जो जीत में उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हॉकी टीम से मिले मोदी, कामयाबी के लिए दी बधाई। भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत गई है। पीएम मोदी ने गोलकीपर श्रीजेश से की बात, खेल के अनुभवों पर की बात। टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक पर भी कोरोना का साया, खेलों के आयोजन के दौरान दर्शकों को नहीं मिलेगी एंट्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के छलके आंसू, कहा जो फ्रेंच ओपन के दौरान किया उस पर गर्व है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में रिहायशी इमारत में गैस लीक के बाद बड़ा धमाका, एक की मौत, कई लोग घायल। 1400 के पार पहुंची हैती में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 6000 से ज्यादा लोग घायल। ईरान में कोरोना से बिगड़े हालात, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 655 लोगों की महामारी से मौत। न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य, दुकान, जिम, थिएटर में बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी एंट्री। कैलिफोर्निया में कैपिटल बिल्डिंग के बाहर स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदर्शन, हर हफ्ते कोविड टेस्ट कराने के फैसले का विरोध। थाईलैंड में दूसरे दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़ा, बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। डेट के जंगलों को बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा ले रहा है रूस, जंगलों के ऊपर विमान से दागे जा रहे हैं सिल्वर आयोडाइड के गोले। नासा के खिलाफ फेडरल कोर्ट पहुंची जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी, एलन मस्क की कंपनी को लूनर लैंडर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का विरोध।